बाद में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय का मैं पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ा रहा हूँ आज, और इसका नाम है, पहला अनुप्रयोग क्या है, कि प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, तो आज हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को गॉस के प्रमेय की सहायता से निकालेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए, मान लीजिएगा कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी थ्योरी हमें लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर और स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से। बिंदु ओ को केंद्र मानकर और स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। जी जो गोला है, इसी गोले को हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। गॉसीय पृष्ठ का सीधा सीधा मतलब है, मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा पृष्ठ जो किसी आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचा गया है, और वो एक्चुअल में काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो इस बिंदु आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ क्या है, हमारा गोला है, और इस गोले को ही हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है, कैसे लिखेंगे, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचा है, यह गोला हमारा गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर और स्मॉल आर त्रिज्या लेकर गोला खींचते हैं, बिंदु ओ को केंद्र व स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, एक गोला खींचते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसके कारण इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जितनी विद्युत बल रेखाएं इस गॉसीय पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही हैं, उससे गुजरने वाला पूरा विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए पहले हम कल्पना कर रहे हैं कि एक अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो हम इस पूरे गोले पर, जैसे जो पूरा हमारा गोला है, इस गोले पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करें, छोटा सा पृष्ठ। तो पहले तो उस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें,
और जब उस अल्पप्रस्थ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाता है तो पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उसका हम समाकलन कर दें, क्योंकि समाकलन हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, पूरे गोले से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अल्पप्रस्थ की कल्पना कर रहे हैं और अल्पप्रस्थ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, मैं अल्पप्रस्थ की कल्पना कर रहा हूँ, इस पर ये अल्पप्रस्थ है, इस अल्पप्रस्थ जो इसके क्षेत्रफल को मान रहा हूं मैं डी एस, और पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान रहा हूं मैं एस। ठीक है, देखिए, जब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके लंबवत यानी कि कुछ इधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन को मैं एन कैप से बता रहा हूं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो पहले मैं अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहा हूं, तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं, यह पृष्ठ के गौसीय पृष्ठ के अल्पप्रस्थ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। यहाँ पर हम जानते हैं ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे होकर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और थीटा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण। ओके, तो देखिए, इसी फॉर्मूले को हम इस अल्प पृष्ठ के लिए अप्लाई करेंगे, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, मैं इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फाई की जगह हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा हमारा, अल्प होगा, क्योंकि इस वाले पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं, यदि पृष्ठ अल्प है तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएँ भी क्या होंगी, बहुत कम होंगी, मतलब विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो वैसे विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, अल्प है इसलिए डी फाई ई से लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फाई की जगह डी फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा, एस की जगह क्या हो जाएगा डी एस कॉस, थीटा की जगह क्या हो जाएगा कोण, ई और एस के बीच का कोण। अब देखिए, ई की डायरेक्शन इधर है और डी एस की डायरेक्शन भी इधर है, मतलब क्षेत्रफल की डायरेक्शन अर्थात अल्प पृष्ठ की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा जीरो, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है जीरो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो, तो ये कितना आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस, चूँकि कॉस जीरो की वैल्यू होती है एक, तो ये तो क्या आ गया हमारा इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लेकिन विद्युत बल रेखाएं तो पूरे पृष्ठ से गुजर रही है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो ये छोटे छोटे जो पृष्ठ हैं, इन सभी पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा पृष्ठ है वो छोटे छोटे बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर बना है। समाकलन करने का मतलब ये हो जाएगा कि उन छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरे गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन का मतलब होता है पूरे गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसलिए संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस। ठीक है, अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे dx का समाकलन x होता है, तो d phi e का कितना हो जाएगा
फाइ ई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और जे जैसे का जैसा। ठीक है, ई बाहर क्यों आ गया, ई इसलिए आ गया क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक है, जैसे जे मान लीजिए गोला है, ये गोला है और गोले के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, तो उस आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो पृष्ठ पर हर पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। जितनी यहाँ पर होगी उतनी इधर होगी, उतनी तीव्रता इधर होगी, उतनी तीव्रता इधर होगी, यानी पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। इसलिए ई तो क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। और एस क्या है, एस इस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो जैसे जैसे इसमें पृष्ठ जुड़ते जाएंगे क्षेत्रफल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है ये बदलेगा क्योंकि जैसे जैसे पृष्ठ जोड़ते जाएंगे उसकी जो साइज या क्षेत्रफल है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो फाइ ई बराबर ई जैसे का जैसा डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसके आगे लेकर आऊँ। अब ये एस क्या, पूरे गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गौसीय पृष्ठ क्या है हमारा, गोला, तो गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नीचे लिख दे रहा हूँ, जहाँ एस गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा, और एस क्या है, गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, जो होता है गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एस की जगह क्या हो जाएगा जी, तो जे वैल्यू यहाँ पर रख दें तो जे बन जाएगा 4πr² जे समीकरण नंबर एक। ठीक, अब गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें गॉस की प्रमेय को अप्लाई करेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको समीकरण नंबर दो मान लीजिएगा। समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं, समीकरण एक व दो की तुलना से, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का लेफ्ट इक्वल है राइट भी इक्वल हो जाएगा, तो e इंटू 4πr² था समीकरण एक का राइट, और समीकरण दो का राइट है q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैं यहाँ से e की वैल्यू निकालूं तो e बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं नीचे भाग में ले जाऊंगा तो जो हो जाएगा q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन जीरो। इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टोमेटिक लिख दूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो देखिए जी आ जाएगा e बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 1/4πε₀ और q बटे r², ये इसका स्टैंडर्ड रूप हो जाएगा, 1/4πε₀ और q बटे r², ये समीकरण नंबर तीन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब जो मैं कर रहा हूँ इसको आपको चित्र में करना पड़ेगा, चित्र में इसको शो करना है, ये हमारा पूरा चित्र है। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि जो बिंदु P है इस बिंदु पर किसी आवेश की कल्पना कर रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि मैं इस बिंदु पर एक आवेश मान ले रहा हूँ यहाँ पर, और वो आवेश का मान है Q₀, कुछ भी मान सकते हैं, क्लियर। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बिंदु पर Q₀ आवेश रखा हुआ है, क्लियर। तो देखिए यदि यदि बिंदु P पर Q₀ आवेश स्थित है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा। देखिए यदि यहाँ पर एक कूलम आवेश रखा होता तो इस एक कूलम आवेश पर, या
सॉरी यहाँ पर यदि एक कूलाम आवेश रखा होता और एक कूलाम आवेश पर यह आवेश जितना बल लगाता है वो बल क्या कहलाता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता। एकांक आवेश पर लगने वाला बल तो क्या होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। लेकिन यहाँ पर एकांक कूलाम आवेश नहीं रखा है बल्कि क्यू जीरो कूलाम आवेश रखा है, तो एक कूलाम पर लगने वाला बल तो तीव्रता के बराबर हो जाता, ई के बराबर हो जाता। लेकिन एक कूलाम से ज़्यादा बल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू जीरो ई। तो अब इस पर कितना बल लग रहा है, क्यू जीरो गुना बल लग रहा है। यदि एकांक कूलाम एकांक आवेश पर लगने वाला बल तो तीव्रता के बराबर है तो एफ बराबर ई होता, लेकिन इस पर कितना आवेश रखा है, क्यू जीरो। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तीव्रता के क्यू जीरो गुने के बराबर। क्लियर, तो इस पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा, एफ बराबर क्यू जीरो ई। ओके, इसको समीकरण नंबर, चलिए इसको समीकरण नाम नहीं दे रहे, सीधा हम ई की वैल्यू रख दें यहाँ पर, जो समीकरण तीन में हमने निकाली है। तो ई की वैल्यू रख दें, तो ई का मान समीकरण तीन से रखने पर, समीकरण तीन से रखने पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू जीरो जैसे का जैसा, ई का मान निकल के आया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू बटे आर स्क्वायर। मैं इस क्यू जीरो का यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। तो जे क्या आ जाएगा, हमारा बल आ जाएगा। तो यही कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि लगने वाला जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने जो गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम निगमित किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।